तो गाइस आज आ चुके हैं हम लोग कलकत्ता के बड़ा बाजार की फेमस शॉप पे, जो कि है बॉम्बे सैंडविच। तो आइए चलिए इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं और इसका मेकिंग बताते हैं और इसके रिव्यू बताते हैं कि कैसे है टेस्ट। भैया आज क्या खिलाने वाले आप हमें? क्या खाएंगे सर आप? एकदम मलाई सैंडविच खिला रहे हैं आपको, फर्स्ट टाइम क्यूरियस। अरे वाह, चलिए बनाएं। हाँ देखते हैं कैसे है मलाई सैंडविच। एकदम क्या आप सब खाएंगे? हाँ सब सब। तीन मिनट भी नहीं लगता, 2 मिनट लगता है। मुझे सिर्फ कार से देखिए भैया काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है। देखिए चले इधर आप तरकारी से बात चुका है। पनीर ये आ गया आपका, पनीर ज्यादा मलाई। कितना साल हो गया शॉप को आप? काफी टाइम हो गया, पहले हमारे पापा चलाते थे, अभी हम चला रहे हैं। ये एकदम सूखा मलाई, वेजिटेबल स्टफिंग, आलू का स्टफिंग, चीज गाइस आप इसकी हाइट देख सकते हैं, टोटल कितना लंबा बन चुका है। और इसके ऊपर में ये आ गया कैप्सिकम, ये आ गया थोड़ा ग्रीन सॉस, बटर स्टफिंग। अरे बाप, इतना ऊपर तक खरीद लिया गया है। अच्छा भैया इसकी प्राइस क्या होती है? इसका प्राइस है सर 120। टोटली पूरा बन चुका है, इसको पैक किया जाएगा। ये क्या है भैया? ये घी है सर, ये इसमें रोस्ट होगा। भैया एक सैंडविच को बेक करने में कितना टाइम लगता है? सैंडविच। और अगर मैं इसकी फिलिंग की बात करूं तो इसको प्रॉपर तरीके से भैया ने फिल किया है, उसके ऊपर में चीज़ है, आलू का मसाला है, वेजिटेबल्स हैं, और इसके साथ में आपको मिलेगी हरी चटनी, लहसुन की चटनी और मीठी चटनी। तो अभी इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट है। टेस्ट
गाइस अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में तो इतनी अच्छी है, टेस्ट में मतलब लाजवाब है। मैंने आज तक ऐसी सैंडविच कभी नहीं खाई। और इसके अंदर जो फिलिंग है वो प्रॉपर तरीके से भैया ने की है। जो चीज़ का टेस्ट है, जो पनीर का टेस्ट है, वो प्रॉपर तरीके से आपको लगेगा कि हाँ कुछ भैया ने फिल किया है, डाला है, पूरा अच्छा तरीके से फिलिंग किया हुआ है। और जो आलू का मसाला जो भैया ने डाला है वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तो आज तक मैंने ऐसे सैंडविच कलकत्ता में तो कहीं नहीं खाई। और अगर मैं तो बोलूँगा आपको कि आप अगर कलकत्ता है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और साथ में ये जो चटनी है, चटनी के साथ आपको एक मीठी चटनी, लहसुन की चटनी और हरी चटनी मिलेगी। तो मुझे हरी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो हरी चटनी से ट्राई किया। आप लहसुन की चटनी भी ट्राई कर सकते हैं, लहसुन की चटनी भी बहुत बढ़िया है। मीठी चटनी मतलब ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर ये ठंडा का मौसम है और गर्मा गर्म सैंडविच, तो खाने का मज़ा अलग होता है। तो आप लोग आएँ कलकत्ता तो इसे ज़रूर ट्राई करें। शॉप का एड्रेस है बड़ा बाज़ार, कलकत्ता का बड़ा बाज़ार में कलाकार स्ट्रीट में शॉप है। और इसकी प्राइस है 120। और भी वैरायटीज़ ऑफ सैंडविच यहाँ पर मिलती है, तो आप लोग आए इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरी तरफ से इसको रेटिंग है 10 out of 10। तो आप लोग आए मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में कि अगर आप इसको टेस्ट करें तो आपके हिसाब से क्या है। पहले बात करते हैं शॉप के ओनर से, तो चलिए हम लोग देखते हैं शॉप के ओनर जो भैया है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुमित है। और भैया शॉप को कितना साल हो गया? काफ़ी 10-15 साल से ऊपर हो गया। पहले मेरे पापा चलाते थे बट अभी हम चला रहे हैं। अच्छा भैया, लगा सैंडविच आपको? बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। और किस और क्या क्या सैंडविच मिलता है आपके यहाँ? और हमारे यहाँ मिलता है सर टोस्ट सैंडविच, पनीर सैंडविच, चीज़ सैंडविच, मलाई सैंडविच। मलाई जो है अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बाकी तो चीज़ पनीर नॉर्मल है। अच्छा भैया शॉप की टाइमिंग क्या है आपकी? शॉप का टाइमिंग है 11:30 बजे तक खुल जाता है, रात को 10:30 तक 10 बजे तक रहते हैं हम लोग। अच्छा कितने दिन खुली रहती है आपकी? सारे दिन खुला रहता है, संडे ऑब्वियसली खास करके खुला रहता है। अच्छा अभी सैंडविच बहुत टेस्टी थी एकदम। और क्या सेवा करें आपके लिए? बस बढ़िया भैया, एकदम अच्छा लगा था। ये मलाई का सैंडविच भी बहुत अच्छा था, वो काफ़ी लोडेड होता है, हैवी होता है, उसको एक प्लेट अगर आदमी खाए तो पेट भर जाए। और आपको बनाने का स्टाइल भी बहुत सही है। जरूर, थैंक यू।